अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्वांटिटी इन व्हिच क्वांटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई द साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर एक्सप्रेशन अक्यूरिंग इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस आर माइनस साइन। टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमिनल, इट्स हैविंग वन टर्म। बाइनोमिनल, इट्स हैविंग टू टर्म। ट्राइनोमिनल, इट्स हैविंग थ्री टर्म। पॉलीनोमिनल, इट्स हैविंग वन आर मोर टर्म इज कॉल्ड द पॉलीनोमिनल। क्लियर। अब आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? व्हिच नंबर इज मल्टीप्लाइड टू द लिटरल नंबर दैट कॉल्ड द कोफिशिएंट। जो नंबर किसी भी लिटरल नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। जैसे 3x, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? x कोफिशिएंट 3। कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं 3xy। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स वाई कोफिशियंट क्या हो गया? एक्स वाई कोफिशियंट आपका 3 हो जाएगा। कभी कभी एक्स पूछेगा तो 3y हो जाएगा। अब ये, अब इसके बाद आता है कोफिशियंट के बाद आता है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है? लाइक टर्म में जब एक्सप्रेशन में आपके सेम लिटरल नंबर होते हैं उसे लाइक टर्म कहते हैं, और जब उसमें आपके एक्सप्रेशन में लिटरल नंबर डिफरेंट होते हैं तो उसे हम अनलाइक टर्म कहते हैं। लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। टर्म हैविंग द सेम लिटरल नंबर इज कॉल्ड द लाइक टर्म। और अनलाइक टर्म में क्या होते हैं? यहाँ डज नॉट सेम लिटरल नंबर दैट कॉल्ड द अनलाइक टर्म। ओके।